दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, ऐसा कौन सा जानवर है जो आसमान नहीं देख सकता है? आपका ऑप्शन है सांप, सुअर, मछली और उकात पंछी। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुअर। सुअर एक ऐसा जानवर है जो आसमान नहीं देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जो घायल होने पर रोता है? आपका ऑप्शन है मकड़ी, भालू, मछली और सांप, मधुमक्खी। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भालू। भालू एक ऐसा जानवर है जो घायल होने पर रोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी नहीं सोता है? आपका ऑप्शन है चींटी, शहदुल या उकात पंछी, सुअर और मछली। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चींटी। चींटी एक ऐसा जानवर है जो कभी नहीं सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलामी में सबसे महंगा केकड़े कितने में बिका था? आपका ऑप्शन है 25 लाख 30 हज़ार, 30 लाख 55 हज़ार, 32 लाख 66 हज़ार, 66 लाख 32 हज़ार। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 लाख 66 हज़ार। एक नीलामी में सबसे महंगे केकड़े 32 लाख 66 हज़ार में बिके थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद भारत में अब तक कितने लोगों को फांसी दी गई है? आपका ऑप्शन है 47 लोगों को, 56 लोगों को, 57 लोगों को और 1303 लोगों को। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 57 लोगों को। आज़ाद भारत में अब तक 57 लोगों को फांसी दी गई है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य निकलने से पहले फांसी क्यों दी जाती है? आपका ऑप्शन है कैदी को कम दर्द हो, जनता को पता ना चल सके, फांसी के बाद के सभी कार्यों के लिए पूरा दिन मिल सके, डॉक्टरों के निर्देशानुसार। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फांसी के बाद के सभी कार्य के लिए पूरा दिन मिल सके। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसी की सजा कितने बजे दी जाती है? आपका ऑप्शन है सुबह 3 बजे, सुबह 5 बजे, सूर्योदय से पहले, कभी भी दी जा सकती है। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्योदय से पहले। फांसी की सजा सूर्योदय से पहले दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत नहीं होते? आपका ऑप्शन है कीड़ों के, चींटियों के, पेंगोलियन के, उपयुक्त सभी के। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के। उपयुक्त सभी जानवरों के दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पेट में दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है केकड़ा, दरियाई घोड़ा, झींगा और मगरमच्छ। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केकड़ा। केकड़ा एक ऐसा जानवर है जिसके पेट में दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके 14,000 दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है बेगुला हवेल, दरियाई घोड़ा, झींगा और ऑक्टोपस। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगुला हवेल। बेगुला हवेल एक ऐसा जानवर है जिसके 14,000 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है? आपका ऑप्शन है गाय, दरियाई घोड़ा, झींगा और ऑक्टोपस। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय। दोस्तों, गाय एक ऐसा इकलौता जानवर है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जिसका गुलाबी पसीना निकलता है? आपका ऑप्शन है घोड़ा, दरियाई घोड़ा, झींगा और ऑक्टोपस। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा एक ऐसा इकलौता जानवर है जिसका गुलाबी पसीना निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी मरता ही नहीं है? आपका ऑप्शन है अमीबा, हाइड्रा, झींगा और ऑक्टोपस। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जानवर है जो कभी मरता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जो मरने के बाद भी खड़ा रहता है? आपका ऑप्शन है कंगारू, बाघ, हाथी और जिराफ। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। बाघ एक ऐसा जानवर है जो मरने के बाद भी खड़ा रहता है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जिसका खून नीला होता है? आपका ऑप्शन है स्नेल फिश, ऑक्टोपस, वुडपेकर, डोडो। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक ऐसा जानवर है जिसका खून नीला होता है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।